हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे नव उदय बैच जो कि क्लास 8th का बैच है उसके चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के 1 से 4 तक के क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है इसका पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस एंड दिस। ये दो क्वेश्चन है उसके अंदर, इन दोनों का हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है, कोई कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी उसका यूज करके। लेकिन अगर आप लोगों ने हमारे अभी तक कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिए। उसके अंदर मैंने कौन कौन से टाइप की प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई किया जाता है वहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो मैंने कम से कम 4 या 5 लेक्चर्स अभी तक उसके अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद में आप लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पहले खुद करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद में अगर नहीं आते हैं तो फिर आप सॉल्यूशन यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमें क्या करना है, यहाँ सोचना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं हम लोग और उस प्रॉपर्टी की हेल्प से फिर इसका आगे सोल्व करते जाना है। तो देखो, तो यहाँ दिख रहा है मुझे कि इन दोनों के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग। ये दोनों में मुझे एक कॉमन दिख रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है। जब दोनों में कोई चीज़ कॉमन दिखे ना तो अपने आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है, ये यहाँ लिखा हुआ है, बीच में कुछ और है, एक यहाँ है, तो हम पहले इसको इधर लाएंगे। तो फिर हमने देखा था कि ए बी सी अगर 3 नंबर्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं तो हम किसी भी को भी 2 को पहले ऐड कर सकते हैं। जैसे ए को और सी को ऐड कर लिया, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कुछ दे रखा है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो या फिर इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा, बराबर। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जब हमें सोल्व करना है तो हमें इन दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन दोनों को कंबाइंड करो। तो क्या करेंगे, एक साथ लिया हो, कंबाइंड करने का मतलब है एक जगह पे लिख दो। -3/5 -1/6 इधर आ गया, प्लस का 5/2। अब जो भी प्रॉपर्टी तुमने यूज किया है वो लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। हमने क्या किया, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये कर लिया। उसके बाद में क्या करें, तो देखो अब इन दोनों में आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर यहाँ मिटा दूंगा मैं इसको। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कि अगर ए बाहर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, ये एडिशन वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये ए से भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस है और ये सी से भी होगा। अभी हमारे को क्या दिया हुआ है, ये लिखा दिया हुआ है, देखो ए समथिंग और एक ए समथिंग कुछ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं, जो भी कॉमन वाला पार्ट आ रहा है उसको, दोनों में देखो ए कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लिया। तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3/5 को बाहर ले लिया, अंदर यहाँ -2/3 बचा और इधर -1/6 बचा और +5/2 बच गया। अब हम जैसे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें हमें करनी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, 3/5, ध्यान रखना यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, तो जब दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 आता है, इसका इसमें डिवाइड करोगे 2 टाइम होगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 1 आया, प्लस का 5/2। फर्दर आगे सोल्व करोगे तो देखो ये 3/5 मल्टीप्लाई -4 और -1 माइनस का 5/6 हो गया और प्लस का 5/2 हो गया। तो देखो ये कुछ डिवाइड हो रहा है, तो देखो 5 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 5, यानी माइनस का 1/2 प्लस 5/2। जब इन दोनों का भी एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसमें क्या होगा, 2 1 जा 2, उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, प्लस 2 1 जा 2, 2 को फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 -1 करेंगे तो 4/2 और विच इज इक्वल टू 2, तो 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ध्यान रखना यहाँ जो हमने प्रॉपर्टी यूज की थी वो कौन सी थी, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी के साथ में हम नेक्स्ट वाला करते हैं। तो देखो यहाँ मुझे एक पार्ट दिख रहा है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लूँ, लेकिन पहले मुझे दोनों को कंबाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तो पहले इसको इधर लाना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, एक जगह लिख लेते हैं दोनों को सोल्व करने के लिए।
प्लस 1 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। तो इन दोनों में सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमने इस स्टेप से ये स्टेप में लेके आए किससे आए, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उस वाले पार्ट को बाहर ले लो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी हमने, तो 3 अपॉन माइनस 7 प्लस 1 अपॉन 14, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया करो, तो माइनस का 7 ऊपर है तो इसको क्या कर सकते हो, माइनस का 3/7 भी लिख सकते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, माइनस 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। तो पहले इसको ब्रेकेट को सोल्व करते हैं हम लोग, तो एलसीएम कितना आएगा, 14 आएगा, मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये रियल में एक्स आता है क्या, माइनस 3 अपॉन 7 था जिसको मैंने कन्वर्ट कर, 3 अपॉन माइनस 7 था जिसको मैंने कन्वर्ट करके क्या लिख दिया, माइनस 3 अपॉन 7, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो अब इसको क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 14 को 7 से, 2 टाइम होगा, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6, प्लस 14 में 14 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 ही आएगा, माइनस 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। तब यहाँ क्या होगा, 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, देखो ये माइनस 1, माइनस 6 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 5 डिवाइड बाई 14, और माइनस 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। अब देखो 5 से 5 डिवाइड हो गया, 1 टाइम हो गया 2 से, और ये 2 से 7 टाइम हो गया, यानी इसका जो रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ पर भी देखो कुछ सोल्व कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, तो यानी इधर तो आया माइनस 1 अपॉन 7, क्योंकि देखो ऊपर माइनस बचा है, 1 बचा है, कुछ भी नहीं बचा, और नीचे क्या आया 7, और माइनस यहाँ पर क्या बचा 1, और नीचे 2 2 जा 4। अब दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करो 4 टाइम होगा, 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4 आएगा, माइनस इसका इसमें डिवाइड करो 7 टाइम होगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 7 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बीच में, जब दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 11 अपॉन 28। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जो भी प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई थी, तो उसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनल में जो आंसर है उसको हमने बॉक्स में बना के आंसर लिख दिया। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद में हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि राइट द एडिटिव इनवर्स। अब पहले तो एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं, और इन सब के हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो एडिटिव इनवर्स एक्चुअल में होता क्या है, जैसे a बाई बी एक रैशनल नंबर है, तो इसमें हम कोई ऐसा नंबर जोड़े जिससे कि रिजल्ट कितना मिल जाए, 0 मिल जाए, तो वो जो जोड़ेंगे हम, जो भी नंबर ऐड करेंगे उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो इसी नंबर का ऑपोजिट साइन वाला, तो जैसे कि ये खुद प्लस का है तो माइनस का ए बाई बी ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये माइनस का ए बाई बी होता तो हम बोलेंगे कि ये माइनस का ए बाई बी है, ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसका, ए बाई बी का, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, या फिर a बाई बी किसका वो है, एडिटिव इनवर्स है माइनस a बाई बी का। तो यहाँ पे हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ पूरा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल कितना होगा, माइनस 2/8। क्यों होगा, क्योंकि 2/8 प्लस माइनस का 2/8 जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 होगा। फिर इसका कितना होगा, एडिटिव इनवर्स VRSE इनवर्स इजिकल हो जाएगा 5/9 पॉजिटिव हो जाएगा। इसका कितना होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, अब 6/5 होगा। इसका कितना होगा, 2/9 होगा, ठीक है। और इसका कितना होगा, 19/6 हो जाएगा। मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, और जिसको उस सेम नंबर को ऐड करना जिससे कि रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 0। तो हमने एडिटिव इनवर्स भी फाइंड कर लिया। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आगे आने वाले तीसरा और चौथे नंबर का क्वेश्चन भी देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वेरीफाई दैट माइनस और ब्रैकेट में माइनस एक्स इज इक्वल होता है एक्स। हमें ये वेरीफाई करना है। अब हमें भी पता है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, एक्स होता है, ये वेरीफाई करना है इन दोनों के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक्स बराबर 11/15 है, इसके लिए वेरीफाई करें। तो क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है
इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, दोनों साइड यानी ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, ठीक है, और ये कहलाती है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमारे को फाइनल रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर मिलती है तो हम बोल देंगे कि हमारे को ये जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है और वेरीफाई हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, पुटिंग एक्स इज इक्वल 14 किसके अंदर, यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग 14। तो देखो क्या होगा, माइनस ऐसे कैसे, ये अंदर वाला माइनस ये वाला माइनस ऐसे कैसे, और एक्स की जगह पे क्या पुट किया 11/15 पुट कर दिया। उसके बाद में क्या होगा, राइट हैंड साइड में क्या था, एक्स था, एक्स की जगह पे 11/15 पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई। और ये आप लोगों को पता होगा कि माइनस के नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस के नंबर से तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस का आता है। क्यों आता है आगे के किसी लेक्चर में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस 11/15 यानी लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 11/15, राइट हैंड साइड में 11/15 चल ही रहा है, यानी हमें ये चीज समझ में आ गई कि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फाइनल में क्या आ गई, बराबर आ गई। इसी के साथ हमारा ये क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड हो गया। भाई हमें ये तो वेरीफाइड करना था तो इतना आसान था। अब यहाँ ये करके देखे तो देखो सबसे पहले ये वाला माइनस, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, पुटिंग एक्स इजिकल माइनस 13/17 इन माइनस माइनस एक्स इजिकल एक्स। तो देखो पुट करते हैं तो पहले ये वाला माइनस ऐसे कैसे आ गया, उसके बाद में क्या है अंदर वाला ये वाला माइनस, फिर एक्स की जगह पे माइनस का 13/7 है, इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहा हूँ माइनस 13/17, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना ये एक्स है, ये वाला नेगेटिव है, ये बाहर वाला नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद में राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है, हमारे पास ये चल ही रहा है। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी अंदर कितना हो गया प्लस का 13/17 और इधर कितना चल रहा है माइनस का 13/17। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये खुद प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस का 13/17 और यहाँ भी माइनस का 13/17। जैसे ये आया देखो फाइनल रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इसी के साथ हमारा ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हैंस वेरीफाइड। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है। अगला हमारा जो फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब पहले बात तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इसका एक नाम और है जिसको रेसिप्रोकल के नाम से भी जाना जाता है। अब होता है क्या पहले वो समझा देता हूँ मैं। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जैसे कोई एक रैशनल नंबर दे रखा है a बाई बी, तो इसको किसी ऐसे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि रिजल्ट कितना आ जाए 1। तो हम a बाई बी को अगर b बाई a से मल्टीप्लाई कर दें तो b से b डिवाइड हो जाएगा, a से a, फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 1। तो हम बोलेंगे कि जो b बाई a है इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसका, ऑफ a बाई बी। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, b बाई a। सेम चीज हमारे को ये करना है, यानी सिंपल उनका रेसिप्रोकल जो होगा वही। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 13/1 लिख सकते हैं। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, बराबर 1/-13। एक्सपेंड भी करके देख लो, माइनस 13/1 को मल्टीप्लाई करो 1/-13 से, माइनस 13 से माइनस 13 उड़ा, 1 से 1 उड़ा, रिजल्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका रिजल्ट कितना हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-13। इसका निकालना होगा तो 19/-13 हो गया, ठीक है। इसका निकालना है तो 5/1 जिसको हम ओनली क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम्हें ऐसे लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 13 इज इक्वल कितना होगा ये। तो जब पेपर में आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये हमारे को लिखने का तरीका भी ध्यान रखना है और एक्सप्लेन भी कर देना, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, इन तीनों में डायरेक्ट नहीं दे रखा, पहले तो इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर इनका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 5 को 3 से किया तो 15 आएगा, 8/7 = 56। ये तो हो गया नंबर। अब इस नंबर का हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 वो कितना हो जाएगा, 56/15। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 बन जा 2 और नीचे 3 था तो 3 आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब निकालोगे
ठीक है, तो वो कितना आएगा 3/2। आई होप ये भी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ अगर बात करें तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/-1, क्योंकि रेसिप्रोकली तो करना है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारे 1-4 तक के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आगे के आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।